हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हमारे इस चैनल का अभी तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट जो है वो मैंने परचेस कर लिया है, और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, तो हाँ भाई, मैंने Xiaomi Mi A3 जो है परचेस करा है। और उसको खरीदने का रीज़न ये है कि भाई, मैं इसका जो है रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहता था। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार मुझे लाइक के थ्रू बताइए, और जितना हो सके उतना जो है इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हमारे जो है 10,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो भाई थोड़े बहुत ही सब्सक्राइबर जो है बचे हैं। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो प्लीज अपनी फ्रेंड्स फैमिली को जाके ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए, और क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि मैंने इसको अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है, तो मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो फटाफट से जो है इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो गाइस, इस तरीके की पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ MI.com लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इसको जो है मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। तो फटाफट से इसके बॉक्स को जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई, ये है हमारा होममेड अनबॉक्सिंग नाइफ। तो भाई, इसके अंदर जो बॉक्स निकलता है वो ओरिजिनल बॉक्स नहीं है, यानी कि इसके अंदर एक और जो है रिटेल बॉक्स, जो मेन बॉक्स होता है वो निकलता है। तो गाइज़, ये है Mi A3 का रिटेल बॉक्स। सामने लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा। साइड में आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 1 का लोगो, क्योंकि ये पूरी तरीके से एंड्रॉयड 1 के साथ आता है। और पीछे की तरफ जो है आपको कुछ और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, वो भी अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ। वहीं आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, और इसमें जो है आपको AMOLED डिस्प्ले भी मिलेगा, जो कि गोरिल्ला 5 के साथ आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है आपको 32 मेगापिक्सल का AI कैमरा भी मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो है 12,999 रुपीज़, और इसका जो कलर है वो है मोर देन वाइट। इसको फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें एक और छोटा बॉक्स देखने को मिलता है। इसमें जो है आपको प्रोटेक्शन के लिए एक केस जो है Xiaomi की तरफ से देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंट सही है, लेकिन बढ़िया है, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन देगा। और इसमें जो है आपको कुछ मैनुअल कार्ड भी देखने को मिलते हैं, आई थिंक उसको खोई भी नहीं पड़ता है। तो भाई, ये है हमारा डिवाइस, यानी कि Mi A3। इसको अभी हम साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कि हमें और भी क्या बॉक्स में देखने को मिलता है। तो भाई, इसमें जो है आपको सबसे पहले चार्जर अडाप्टर मिलता है, यानी कि ये जो ब्रिक है वो आपको मिल जाती है 5 वॉट की। आई नो ये जो है डिवाइस 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वॉट का चार्जिंग मिलता है, और आपको इसमें USB टाइप सी केबल भी मिलता है। तो अब हमारे फ़ोन को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई, सामने की तरफ आपको और भी स्पेसिफिकेशन हाईलाइट की गई है। ये एक तरीके का स्टिकर है, जिसको हम फटाफट से निकाल लेंगे। तो भाई, ये है मोर देन वाइट कलर, बहुत ही बढ़िया ग्लॉसी सा देखने को लिखता है, रेनबो सा जो है शेड हमें देखने को मिल रहा है। साइड में आपको जो है Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाती है। वहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फ्लैश के नीचे 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो हाईलाइट किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे एंड्रॉयड 1 का भी जो है लोगो आपको मिल जाता है। तो गाइस, फ़ोन जो है काफ़ी बढ़िया है। अब अगर इस डिवाइस का मैं आपको फिजिकल ओवरव्यू दूँ, तो भाई ऊपर की तरफ आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, उसी के साइड में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा, राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर के बटन देखने को मिलेंगे, और उसी के नीचे आपको पावर ऑन ऑफ का भी जो है बटन देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको जो है टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा, जो चार्जिंग के लिए यूज होगा, और उसके आइट साइड में आपको स्पीकर के जो है ग्रिल देखने को मिलेंगे, और लेफ्ट साइड में आपको जो है सिम ट्रे देखने को मिल जाएगी। ये जो सिम ट्रे है वो हाइब्रिड है। और भाई, पीछे की तरफ से अगर डिवाइस को ध्यान से देखें तो भाई बहुत ही अच्छा फिनिश जो है Xiaomi की तरफ से हमें देखने को मिला है। ये जो है मोर देन वाइट कलर इसको कहा गया है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको रेनबो सा जो है शेड देखने को मिलेगा, इसलिए इन लोगों ने जो है मोर देन वाइट इसको जो है नाम दिया है। तो गाइस, फटाफट से इसको जो है बूट कर लेते हैं। तो भाई, फर्स्ट बूट पे ही जो है हमें एंड्रॉयड 1 का लोगो देखने को मिलता है, उसके बाद Mi का जो है लोगो देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करें इसके इंटरफेस की, तो भाई इसमें आपको जो है पूरा प्योर एंड्रॉयड का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि आपको इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी, ना एडवर्टाइजमेंट। इसमें कुछ Mi की एप्लीकेशन है जिसको आप जो है अनइंस्टॉल कर सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। अब अगर इसके अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो भाई इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिल जाएगा। इसकी जो स्क्रीन साइज है वो है 6.8 इंच की, और इसमें जो है आपको 4030 mAh की बैटरी मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो भाई इसमें जो है आपको अभी के टाइम पे एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन भाई आगे चल के इसमें एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11 जैसे भी जो है एंड्रॉयड अपडेट आने वाले हैं, क्योंकि ये एंड्रॉयड 1 को सपोर्ट करता है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे करीब करीब 2-2.5 साल तक, वो तो इसमें जो है आराम से मिल जाएंगे। अगर बात करें इसके कैमरा
एप्लीकेशन की, तो गाइज वो हमें Xiaomi की ही बाई डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन मिलती है, लेकिन इसमें जो है आप अलग से गूगल कैमरे को भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर बात करो इसके रियर कैमरे की, तो उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, तो उसके थ्रू जो है मैंने पिक्चर क्लिक करके देखी है, तो आप देख सकते हैं कि भाई कलर रिप्रोडक्शन वगैरह जो है काफ़ी बढ़िया ये दे देता है। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट कैमरे की, तो उसमें जो है आपको 32 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि AI पावर्ड है, और इसके थ्रू भी जो है मैंने सेल्फी क्लिक करी है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि भाई अच्छी जो है सेल्फी इसने क्लिक करके दी है। इसका जो है बिल्कुल डेप्थ में रिव्यू जो है मैं आगे जाके लेकर आने वाला हूँ, इस चैनल पर अपलोड करूँगा, जो MI A3 का फुल रिव्यू होगा उसमें जो है सब कुछ डिटेल में बात करने वाला हूँ। अब इस ऐप के अदर ऑप्शन की बात करें, तो भाई इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि पोर्ट्रेट इसमें आपको मिल जाता है, इसमें आपको वाइड एंगल का सपोर्ट मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल तक आप जूम कर सकते हो। और इसमें एक जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि भाई इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है वो है 4K 30 फ्रेम सेकेंड की, जिसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू जो है उसमें बताऊँगा कि भाई किस तरीके की जो है वीडियो क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। अब अगर इसके ग्रिप की बात करें, तो भाई साइड से जो है ये कर्व्ड है, जिसके कारण इसकी ग्रिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। उसके साथ साथ इस फ़ोन को जो है आप एक हाथ से आराम से यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी के टाइम के जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े आ रहे हैं, जिसके लिए हमें दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है आप 1 हैंडेड फ़ोन को जो है आराम से यूज़ कर सकते हो। अब अगर मैं आपको मेरा फर्स्ट ओपिनियन दूँ, मतलब लाइक जेन्युइन फर्स्ट ओपिनियन दूँ, तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा फ़ोन मुझे लगा है इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि 13,000 रुपये में ये आपको काफ़ी अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहा है। आई नो इसका डिस्प्ले जो है वो कंट्रोवर्सी में चल रहा है कि भाई इसमें 1080p डिस्प्ले देना चाहिए था, लेकिन गाइस अगर इसको मैं फर्स्ट टाइम अगर आप देखते हैं, तो भाई इसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा जो 720p के साथ काफ़ी अच्छा दे देता है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप जो आपको ये फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है मेरी अच्छी लगी हो। इसका जो है फुल डेप्थ रिव्यू मैं काफ़ी जल्दी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं जो है इस फोन के एक एक चीज़ को जो है कवर करने वाला हूँ। तो गाइस इसका फुल रिव्यू काफी जल्दी जो है मैं लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।